लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ग्लिसरीन कोबाल्ट लेड बॉम्ब 40 लोगों पे लगा है। ध्यान से सुन, मेरी बात नहीं मानी तो उड़ा दूंगा सबको। चल उड़ा दे। फिर से जीनियस गिरी, फिर से डर। मुझे बड़ा मजा आता है। जब मैंने तुझे मारा ना, तब मुझे बहुत अफसोस हुआ 2 सेकंड के लिए। मैंने यार अब दिमाग के खेल किसके साथ खेलूंगा? अब दिमाग को तो खुराक चाहिए। अब सारे सक्सेसफुल लोग तो मीडिया को रहे यहाँ। हाँ तो खेलें किसके साथ? एक काम करते हैं, एक रिडल खेलते हैं। कल के अखबार की न्यूज, एक भगोड़े एजेंट ने एनएसए की हत्या कर दी और एनएसए की सिक्योरिटी ने उसको मार डाला। मिस्टर जयशंकर प्रसाद, तनाव बहुत है, टाइम नहीं मिल रहा था, फिर भी 5 मिनट टाइम निकाल कर आया हूं। कांत डिजिटल सिक्योरिटीज के पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड काफी अच्छा है, इसीलिए सरकार ने 5 मिनट तेरे पास। सरकारी संस्थान 5 मिनट में इस कालियों को साफ कर दे। डिजिटल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इनको सौंपी है। थैंक यू सर। सोच, एनएसए की मौजूदगी में 40 लोग मारे गए तो देश के सम्मान और गौरव का क्या होगा जो तूने बचाया था उस दिन? जीनियस गिरी दिखाने की कोशिश मत करना। मुफ्त में लोग मारे जाएंगे क्योंकि दुनिया का ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है जहां तो 5 मिनट में 400 में से वो कौन से 40 लोग हैं जिनके बैजेस से बम खोद सके। कोई रास्ता नहीं। किल द एनएसए एंड गेट किल्ड। राधे राधे।
वो MRS है, MRS! Shut up! पकड़ो उसे, पकड़ो! नाथन सर! रुबीना! पूजा, रोहित, पकड़ो उसे! छोड़ो मुझे, पकड़ो उसको, वो MRS है, MRS! तुम लोग समझते कि नहीं, मैं PM के सीक्रेट मिशन पे हूँ, पकड़ो वो MRS है, पकड़ो उस कुत्ते को, नाथन सर, समझाइए इनको, NSA को समझाइए नाथन सर, NSA सर, वो MRS है, वही ISI का मास्टरमाइंड, मुझे ISI का ये जाल तोड़ना ही होगा, खड़े जाओ, पकड़ो उसे, जाओ! सर, असल में उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह जा चुका है। उसे लगता है कि वो किसी मिशन पर है और PMO के अंडर काम कर रहा है। कान की बीमारी की वजह से जो उसके ब्रेन पर इफेक्ट हुआ था वो और बढ़ गया है। हमें इसे हॉस्पिटल में कुछ वक्त के लिए रखना होगा ऑब्जर्वेशन के लिए। एक्चुअली ही इज हैविंग स्किज़ोफ्रेनिया एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम स्किज़ोअफेक्टिव डिसऑर्डर। इट्स अ क्रॉनिक मेंटल हेल्थ कंडीशन, hallucinations, delusions, बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है मगर अंदर से ही इज डिटेरियोरेटिंग एवरी डे। एक दिन अचानक उसका ब्रेन डेड हो जाएगा। नंदिनी, वी ऑल हैव टू बी मोर केयरफुल नाउ ऑनवर्ड्स। हमारी जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई हैं। अब उसका दिमाग उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वो किसी को भी बीमारी समझ सकता है, कभी भी उसके दिमाग से उसके मरे हुए साथी बाहर आ सकते हैं। शायद वो उनकी मौत का बदला लेना चाहता है। He has become dangerous to the society. Dangerous तो आप लोग हैं, साजिश कर रहे हैं आप सब। ये प्रवीण जोशी, तुम मिले हुए ना MRS से? तुम्हीं ने मैस्केरेड पार्टी के सारे सबूत साफ कर दिए, किसी को कुछ नहीं मिला। Shut up! इंक्वायरी चल रही है, सच क्या है सबको बहुत जल्द पता चल जाएगा। सच तो सामने आ ही जाएगा, मेरी टॉक्सी टीम गई है PMO से आप सबकी शिकायत करने। तुम चिंता मत करो, हमारे प्यार के रंग वापस आएंगे। कोई नहीं रोक सकता उन्हें। I don't want to meet anyone. वासु? कितनी सिक्योरिटी है? 3 सर। डबल इट। ओके सर। सैड एनफ है जीनियस। बेटा, आप लोग जा सकते हैं। राधे राधे। मैडम, आप भी 10 मिनट्स प्लीज। ओके। आज भी 60 मिनट नहीं। Thank you.
अगर मैं मर जाऊं वासु, तो मेरी याद में हमेशा मुस्कुराना, और अगर ये यादें तुम्हें रुला दे या एक पल भी तुम्हारी मुस्कान छीन ले तो मुझे याद मत कर। वाह, क्या लव स्टोरी है, लेकिन मेरी खराब कर दी। हैंडसम हो ना? दिल को राष्ट्रीय खेल घोषित कर देना चाहिए, सब खेलते हैं इसके साथ, मैं भी खेलूंगा। एक्चुअली तो मेरी लड़ाई उस कालिए से है जिसका नाम है जयशंकर प्रसाद। मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, हालत बिल्कुल खस्ता थी, लेकिन बाप जो था वो बहुत ही ईमानदार, सच्चा, नमाजी, परहेजगार। घर की हालत भी बिल्कुल खस्ता, जो कड़ियाँ थी, 5-6 कड़ियाँ थी, उनको आज तक ठीक नहीं करवाया उसने। पैसा ही नहीं था उसके पास, क्या करता, ना उसके अंदर इतनी अकल थी कि वो ये सोच सके कि उसके यहाँ एक जीनियस पैदा हुआ है। और मैं यूज्ड हो चुका था उस चीज़ का, धीरे धीरे पढ़ता चला गया, आईटी में एडमिशन लिया, विद इन 2 ईयर्स रॉ एजेंसी की साइट को मैंने हैक कर लिया, उसका मुझे 1 करोड़ मिला। और जिस दिन मुझे 1 करोड़ मिला, उस दिन मैंने बड़े बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। मैंने कहा घर जाऊंगा, वो कड़ियाँ वड़ियाँ सब ठीक करवाऊंगा, पूरे घर को आलिशान बनाऊंगा, अब्बू अम्मी खुश होंगे। जैसे गया तो मेरा बहुत अच्छा वेलकम हुआ, जूते चप्पल जो भी मिला अब्बू को मारा मुझे, इतनी धुनाई हुई मेरी, इतनी धुनाई हुई मैं बता नहीं सकता। मारते गए तो पहली बार मेरी ईगो जागी, और ईगो ऐसी आई कि मैंने अपने अब्बू को ना ऐसे पकड़ा, गर्दन ऐसे पकड़ के ऐसे झटका दिया, और पास में चाकू पड़ा हुआ था वो लेके मारता चला गया। बीच में अम्मी आई छुड़ाने के लिए, मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने आंखें बंद कर रखी थी, मैं मारता जा रहा था, और थोड़ी देर के बाद मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा मेरे अब्बू अम्मी खून से लथपथ पड़े हुए थे। अम्मी को देखा मैंने, जिसको मैं बहुत प्यार करता था, मैंने कहा उसको बीच में नहीं आना चाहिए था, बस मुझे देख रहे थे ऐसे। तभी एकदम पीछे से हाथ आया किसी का, उसने खींचा मुझे, ने पलट के देखा, पुलिस, जेल में डाल दिया मुझे। बहुत टॉर्चर किया, बहुत जूतों से पिटाई हुई, हर तरीके से, मतलब 3rd degree जैसे टॉर्चर होता है ना, वैसे किया। पता है वो ऑफिसर कौन था? जयशंकर प्रसाद। कुछ दिन के बाद मैंने उसको बुलाया रात में, एक्सक्यूज मी, आए नए जो SI है, CIA, FBI, मोसाद, इन सब की बैंड बजाने में हायर मी, आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, पी मी बिकॉज आई एम ए जीनियस। उसने बोला इडियट लोग नहीं चाहिए देश को, कैरेक्टर चाहिए। मतलब मैंने अपना खिलौना तोड़ दिया, अपनी चीज फेंक दी, तो मेरा कैरेक्टर खराब हो गया? मैंने अपने माँ बाप को मारा, किसी और के माँ बाप को तो नहीं मारा ना मैंने, तो सजा किस बात की भी? वो तो भला हुआ SI का वो उठा के ले गए मुझे, वरना वो तो तुम्हें फांसी दिलवा रहा था। तब से लेके आज तक वो खुलना से मेरे अंदर उस काले को लेके, उसको ना फांसी पे लटकाऊंगा मैं। चले एक आखिरी रिडल खेलते हैं,
दिल की लड़ाई दिमाग से। तूने भी खूब खेले, दिल की लड़ाई दिमाग से। गुड। हेलुसिनेशन का बहुत बड़ा ड्रामा किया। और अपनी जिस टॉक्सिक टीम का अंतिम संस्कार अपने हाथों से किया था, उसकी झूठी कहानी उड़वा दी, वो भी इस लड़की के जरिए कि वो जिंदा है। बिजली के झटके खाए, वो भी रियल, ताकि लोग तुझे पागल समझें, ताकि कानून को धोखे में रख के हर सजा से बच जाए और एक दिन ठीक होने का ड्रामा करके तो अपने प्यार के पास वापस आ जाए। वाह क्या जीनियस प्लान है, क्या आशिकी है। अमोर, ये सलीम है। सॉरी वासु, रूबी ने कहा हस्बैंड जो मर गई, मैंने मारा था। दो मिनट में बोल दिया इसने सब। छोड़ दे इसे, तेरी लड़ाई मेरे साथ है। अच्छा तो तू यहाँ क्या कर रहा है, जा। मैं चैलेंज करता हूँ तुमको, सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, स्पेशली एनएसए, जयशंकर प्रसाद को। जूते लगवाए थे ना उसने मुझे, जूते लगवाऊंगा, थप्पड़ों से पिटवाऊंगा, रोक सको तो रोक लो मुझे। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा, अब MRS, मिस्टर समर खान। क्या मैं ऐसे ही चीफ से बात कर सकता हूँ सर? ऐसा चीफ राइट नाउ। हेलो, इकराम हियर, पीए ऑफ चीफ साहब। चल अपने चीफ को फोन दे, वासुदेव बोल रहा हूं। कौन वासुदेव? MRS ने बताया नहीं तुझे? MRS? कौन MRS? ब्लू आईज ब्राउन हेयर फेयर स्किन लाहौरी नाक नक्श St. Edmund's College, Victoria Street, Central London, born in Lahore, Pakistan, date of birth 19 March 1999, Maqam Shabina, no siblings, and... Hello? Fatima? Fatima ke baat kar rahe ho tum? Ji, Chief sahab. Aur is waqt mere char aadmi uske aage peeche Piccadilly Street pe ghoom rahe hain. Uda denge. How dare you? Wo meri beti hai. Mujhe to pata hi nahi tha aapki beti hai wo. Jaise aapko nahi pata ki koi MRS hai ya nahi. Ye galat hai. Bilkul galat hai. हमारे पंजाब में और आपके लाहौर में दोनों में कहावत है कि बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। देखिए, हमें आपसे कोई बैर नहीं, लेकिन अगर आप हमारे घर में घुसेंगे ना तो आपकी कोई खैर नहीं। कह दीजिए MRS को कि वो सरेंडर कर दे, वरना ये जो हिंदुस्तानी जूता पहना है ना आपने, आपके सिर ही पड़ेगा। राधे राधे।